अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा खैर आफियत से रखे, हर किस्म के शर से महफूज रखे। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। आपके सामने बाबा जी रहमतुल्लाह के वाक़ियात का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बाबा जी रहमतुल्लाह कुवैत में सफ़र पे गए हुए थे। वहाँ बाबा जी के पुराने साथी हैं कौसर साहब, उनके यहाँ बाबा जी का क़याम था। तो वहाँ बाबा जी रहमतुल्लाह की इंडियन अदाकार दिलीप कुमार से मुलाकात हुई। कौसर साहब का मेडिसिन का कारोबार था, उसमें उसकी कोई शराकत थी आपस उनके बिजनेस में दिलीप कुमार की। तो जब बाबा जी वहाँ उनके यहाँ क्याम पज़ीर थे, तो दिलीप कुमार बाबा जी रहमतुल्लाह को मिलने आया। तो बाबा जी ने उससे मिले और उसने बाबा जी को दुआओं की दरख्वास्त की। और बाद में बाबा जी फरमाते हैं कि मैंने उसको एक अच्छा इंसान पाया और उससे बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन मैंने उसको एक अच्छा इंसान पाया। ये मुलाकात कुवैत में कौसर साहब के यहाँ।